दूसरी बात संत कहते हैं, दिमाग ठंडा और दूसरा जेब, जेब गरम है ना सबका, जेब गरम इसका मतलब लक्ष्मी देवी जेब में होना चाहिए, कुछ मनी राम होना चाहिए, कुबेर के साथ में दोस्ती होना चाहिए। अब बोलिए जेब गरम से क्या मतलब? धन होगा तो धर्म होगा। ये यज्ञ जो हो रहा है लाखों रुपया खर्च हुआ होगा इसमें, अगर जेब गरम नहीं होता यहाँ के मुखिया सरपंच आयोजक समिति का तो ये कार्यक्रम हो पाता? अगर किसी परिवार में पैसा नहीं होता तो पति पत्नी में रोज झगड़ा होता कि हमारा फेस मास्क खत्म हो गया है, नोनो बहुआ की चड्डी गंजी खत्म हो गई है, फट गई है, पेंट नहीं है, चप्पल नहीं, रोज झगड़ा। अगर किसी का पति कमाता नहीं है तो पत्नी रोज झगड़ती है। इसीलिए जेब गरम होना चाहिए, अर्थात हर पति को, हर भाई को, हर बेटा को दो पैसे कमाने की कला होना चाहिए। अगर पैसा होगा, धन होगा तो धर्म कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, आप अपने परिवार में लगा सकते हैं, समाज में लगा सकते हैं, यज्ञ में लगा सकते हैं। बोलिए सदगुरु। अगर धन नहीं है, गरीबी है आपके जीवन में, तो आपके जीवन में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। खाने को नहीं है, बच्चे परेशान हैं, पत्नी परेशान है, घर में लड़ाई झगड़ा रोज होता है। जेब गरम मतलब लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, पैसे का सम्मान कीजिए, पैसा ईमानदारी से कमाइए, दो नंबर से मत कमाइए। बहुत लोग दो नंबर से घूसखोरी करके, बेईमानी करके, मिलावट करके पैसा कमाते हैं, नहीं, ईमानदारी से कमाइए, मेहनत करके कमाइए। और जो धन कमाते हैं उसका सदुपयोग कीजिए। बहुत लोग हैं जुआ में पैसा बर्बाद कर देते हैं, ताश खेल के, जुआ खेल के। बहुत लोग देखी मैं, अभी दार्जिलिंग में मेरा कार्यक्रम था एक महीना पहले, शायद 15-20 दिन पहले, तो वहां पर देखी मैं जगह जगह पर भगवान की फोटो रखी थी, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, टेबल में भगवान की फोटो थी और कुछ नंबर लेके आदमी कुर्सी लगा के बैठा था। तो मुझे पहले पता नहीं चला, मैं सोची कि दार्जिलिंग बड़ा धार्मिक जगह है, जगह जगह भगवान की फोटो रखी हुई है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये नंबर कौन चीज का है, तो मुझे बड़ी श्रद्धा हुई कि दार्जिलिंग के लोग कितने अच्छे हैं, जगह जगह भगवान की फोटो रखते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भगवान की फोटो और जो नंबर लिखा रखा है यहाँ पर, ये सट्टा का नंबर है, यहाँ सट्टा लगता है। हमको बड़ा बुरा लगा कि आदमी भगवान को रख के सट्टा का काम करता है, सट्टा लगाते, नंबर फंसाते हैं। अब क्या करते वही जाने, मुझे तो ज्यादा पूछने का अवसर नहीं मिला। कहने का मतलब है कि कभी जुआ मत खेलिए, सट्टा मत लगाइए, शराब मत पीजिए। बहुत लोग हैं, पैसा तो बहुत है, लेकिन शराब में जो पिएगा शराब उसकी बुद्धि होएगी खराब, घर नर्क बन जाता है। छत्तीसगढ़ की एक घटना बताती, एक महीना पहले एक घर में 6 सदस्य थे, पति पत्नी, दो बेटा दो बेटी, बड़े सुंदर सुंदर बेटा बेटी पत्नी, लेकिन पति रोज शराब पी के आ जाता, पत्नी को मारता, बच्चों को मारता, रोज टेंशन, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, घर नर्क बना हुआ था। देखते देखते 20 साल बीत गए, बच्चे सब 18 साल 17 साल 15 साल के हो गए। एक दिन पत्नी को गुस्सा आया कि रोज शराब पी के आते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। पत्नी पांचों चारों बच्चों को लेके गई रेलवे पटरी में, और ट्रेन एक्सप्रेस आने वाली थी, माँ और चारों बच्चे पटरी में लेट गए अपना गर्दन रखकर। एक्सप्रेस ट्रेन आई, चारों को पांचों को काटते हुए आगे निकल गई। अभी एक महीना पहले की घटना है। अगर आप
अपने पत्नी अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो शराब को त्याग दीजिए। शराब का मतलब ये होता है सड़ा हुआ आब, आब मीन्स पानी, सड़ा हुआ पानी। अगर चार दिन का बासा पानी आपकी पत्नी आपको देगी तो आप नहीं पिएंगे, कहेंगे ताजा लाइए कल से चलाकर, ताजा पानी होना। और शराब बनाने के लिए तो सड़ाया जाता है मऊहा को, अंगूर को, चावल का, जिसका भी शराब बनता है उसको सड़ाया जाता है। एक शराबी की कहानी याद आ गई मुझे, छोटी सी कहानी है। एक शराबी फुल डोज लगा के सड़क में चल रहा था, दाएं बाएं। शराबी की स्थिति देखिए, कितना ही बलवान होगा लेकिन जब वो शराब पी लेगा तो उसका कदम दाएं बाएं ही चलेगा, सीधा नहीं चलेगा। चलते चलते ढाबे में खड़ा हुआ, होटल में छोटा सा ढाबा था चाय नाश्ते का, और होटल वाले से कहा, ए बाबू 10 रुपये का पकौड़ी दे दो और गरम होना चाहिए और बढ़िया मसालादार। दुकान वाले ने देखा कि ये तो पी के आया, फुल डोज लगाया है, इसका मुंह लगना ठीक नहीं है। 4-6 बड़ी बड़ी पकौड़ी एक दोना में दिया, कहा जाइए खाइए। अब गोल गोल गरम गरम पकौड़ी लेके शराबी जब चला, कदम लड़खड़ाते हुए चलते चलते शराबी गिर गया सड़क के किनारे में। जब गिर गया तो पकौड़ी अलग, दोना अलग, शराबी अलग। बगल में एक गधा वहीं पर घास चर रहा था। यूपी में बहुत गधा होता है, इधर तो बिहार में देखने को नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में गधा बहुत पालते हैं। एक गधा वहीं पर घास चर रहा था। गधा ने देखा कि आज हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, गेस्ट आए हैं, और जब कोई अतिथि आते तो संदेश में रसगुल्ला है, सोन पपड़ी है, या फिर जलेबी है, कुछ ना कुछ संदेश तो लाते हैं। गधा ने देखा कि आज अतिथि आए और संदेश में गरम गरम पकौड़ी लाए हैं, पहले तो संदेश को खाया जाए फिर स्वागत किया जाएगा। तो गधा ने जितनी पकौड़ी बिखरी हुई थी सारी पकौड़ी को चुन चुन के खा लिया। अब जब संदेश को खा लिया जाता है तो इसके बाद में क्या करते हैं, अतिथि का स्वागत। तो गधा सोचता है कि हमने तो संदेश को खा लिए लेकिन हमारी बारी, अब चाय नाश्ता इनको भी दे देते हैं। तो गधा ने भी गोल गोल गोबर दे दिया। अब आधा होश में आधा बेहोश में शराबी ढूंढने लगा कि मेरी पकौड़ी कहाँ गई। होश थोड़ा आया, थोड़ा बेहोश था, ढूंढने लगा कि मेरी पकौड़ी कहाँ गई। अब हाथ पड़ गया गोल गोल, गधे का भी गोबर गोल गोल ही होता है, देखा होगा कोई, गोल ही गोल होता है, वो भी गरम गरम ही था, ताजा था। तो अब बेहोशी की स्थिति में वो गया तो लेटे लेटे हाथ पड़ गया गोबर में, उसने कहा वो पकौड़ी अभी तक गरम ही है, क्या बात है। दोना को उठाया, उठाकर सब गोबर जितना था उसमें डाल दिया। अब फिर चलने लगा दाएं बाएं। चलते चलते सोचते नहीं बहुत दूर चल के आ गए, जबकि चार ही कदम चला रखा, लगता है 4 कोस चल के आ गए। अब पकौड़ी गरम गरम में खा लेना चाहिए। जब जैसे ही खाया मुंह में लिया तो थू थू करने लगा कि वाह, आजकल लगता है ढाबा वाले दुकान वाले नमक हराम हो गए, शराब पी के पकौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी में ना नमक है ना मिर्ची है, बिना नमक मिर्ची का बनाए, लगता आज भूल गए शराब पी के ही पकौड़ी बनाए हैं। कहने का मतलब है कि जो पिएगा शराब वो करेगा जीवन को खराब, कभी शराब मत पीजिए। अगर पीना ही है आपको तो गन्ने का जूस पीजिए, ऑरेंज का जूस पीजिए, एप्पल का जूस पीजिए, अनारदाने का जूस पीजिए, और कुछ नहीं पी सकते तो दही का लस्सी बना के छाछ पी लीजिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन हमारा दिमाग है अच्छी चीज छोड़ के खराब चीज पीते हैं। हमारे देश के लड़का क्या पीते हैं,
लड़का लड़की सब पीते हैं, महिला भी देखे हम पुरुष भी सब पेप्सी पेप्सी पीते ना, कोको कोला थम्स अप लिंका मिरिंडा लहर, और लहर नहीं पूरा जहर है। कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक मतलब समझ गए ना, कोको कोला पेप्सी लिमका मिरिंडा लहर स्प्राइट, क्योंकि इसमें होता है सोडा, और सोडा वाटर जब आप पीते हैं तो आपकी आंत बहुत कमजोर होती, बड़ी कोमल होती, पेट की आंतें उसमें छेद हो जाता है। अगर आप कोको कोला की बोतल में थम्सा लिमका मिरिंडा कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आप एक मांस का टुकड़ा डाल के रखिए और चार दिन बाद देखिएगा उसमें छेद हो जाएगा, गल जाएगा वो, इतना खतरनाक होता है। लेकिन हम लोगों को नकल करने की आदत है। टीवी में देखते हैं कि सलमान खान पी रहा कोको कोला तो हम भी कोको कोला, आमिर खान पी रहा स्प्राइट तो हम भी स्प्राइट। नकल करने की आदत, दिमाग नहीं लगाते कि क्यों पीना चाहिए, नकल करने की आदत। हमारे भारत देश के लोग ज्यादा नकल में जीते, अकल में कम जीते। अकल कम लगाएंगे कि कौन चीज नुकसान है कौन चीज फायदा। जैसे कि हमारे बच्चे आजकल चाउमीन खाते हैं, नूडल्स खाते, मैगी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ये सब बनते हैं सड़े हुए मैदा से। इसको खाने से पेट में कैंसर की बीमारी होती है, किडनी खराब होती है, अल्सर की बीमारी होती है, बाबा सिर की बीमारी होती है, इतनी सारी बीमारी होती, फिर भी आज के बेटा और बेटी चाउमीन नूडल्स मैगी पिज्जा पास्ता पता नहीं कौन कौन चीज खाते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी में देखते हैं। भारत के हम लोग हैं भारतीय, पर खाना भारतीय नहीं, ये सब चाइना का है, ये सब विदेश का है। जितना नूडल्स चाउमीन मैगी पिज्जा ये सब हमारे देश का नहीं है, पर हम लोग खाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। कौन चीज भारतीय है? आज बाल भी कटवाता है लड़का तो चाइना कट। एक लड़का को देखी मैं, टेम्पो में बैठा था मेरे ही सामने, अपना बाल कटवाया था। कैसे कटिंग करवाया था? बहुत लोग बड़े अजीब अजीब कटिंग करवाते हैं बाल का। इधर से बाल साफ था, इधर से साफ था, पीछे भी, और बीच में थोड़ा बाल रखा हुआ था। बाल पूरा उल्टा हुआ है, बिल्कुल चिड़िया का घोंसला की तरह, जैसे अंडा दे चिड़िया तो हिलने गिरने वाला नहीं, बिल्कुल पूरा बाल साफ और बीच में इतना बाल, ऐसे छत्ते की तरह, टोकरी की तरह, चिड़िया का घोंसला की तरह बाल था। कहा बाबू क्यों कटवाए हो? पूछे ऐसा बाल क्यों कटवाए? कहा आमिर खान कटवाया ना, इसलिए हम भी कटवा लिए। ये आमिर खान को तो पिक्चर बनाना, आपको कौन पिक्चर बनाना? नकल करते हम हीरो हीन हीरो की। आदमी पूजा करता है देवी और देवता की, सही बात। हम लोग सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं हम देवी की, और नकल करते हैं श्री देवी की, कल्याण होगा? पूजा करते हैं हम राम की और नकल करते हैं सलमान खान की, कल्याण होगा? जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, उसकी हम अगर नकल करने लगे तो हर आदमी के अंदर में भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। पूजा तो करते हैं किसी और की और नकल करते हैं, आचरण करते हैं किसी और का, कैसे कल्याण होगा? जिसकी पूजा करते हैं उसकी नकल करना शुरू कर दें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मैं कह रही थी जेब गरम रखिए, अर्थात कुछ पैसा अपने जीवन में कमाइए, आलसी मत रहिए, और पैसे का सदुपयोग कीजिए, शराब में, जुआ में, बीड़ी सिगरेट में, पान गुटखा में। हमारे बच्चे लोग, आज के बेटा लोग 10 रुपया का पैकेट लेंगे, फाड़ेंगे, मुंह में डालेंगे, थूकने का काम करते, यहाँ थूकेंगे, वहां थूकेंगे, थूक थूक के पूरा गंदा कर। अब भारत सरकार उस थूक को साफ करने में 1 महीना में कई करोड़ रुपया खर्च करती है। सोचिए
आपने तो थूक दिया, पर जो झाड़ू पोछा लगा रहा है, उस थूक को साफ कर रहा है, वो फ्री में सेवा नहीं करता, पैसा लेता है। 15,000-20,000 रुपया महीना तनखा है, 10,000 रुपया महीना तनखा है। इसलिए जेब गरम रखिए, अर्थात धन को जीवन में अर्जित कीजिए, धन कमाइए, पर धन को धर्म में भी लगाइए। धन शुद्ध होता है धर्म में लगाने से। अगर आप धन जोड़ जोड़ के रख रहे हैं और धर्म में नहीं लगा रहे, तो आपका धन शुद्ध नहीं हुआ। बहुत लोग बहुत कमाते हैं पर बड़े कंजूस होते, दान नहीं करते, बहुत कंजूस होते हैं। इसलिए संत कहते, दुनिया में आए खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना यारो, कब्र में कफन में जेब नहीं होती। दुनिया में खूब कमा लीजिए पर कफन में जेब नहीं होती। इसलिए धन कमाइए, परिवार में लगाइए, जीवन में लगाइए, पर कुछ अंश दान में भी लगाइए।